अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं शेख साहब, और आज जनाब ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, अगर आपको याद हो पिछले कुछ दो तीन महीने पहले शेख साहब को एक जुर्माना पड़ा था, तो उसका जनाब ये जुर्माना अदा करने बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट किए थे कि शेख साहब खुद कुछ बना के खिलाएं। और अगर आप देखें तो ये मिट्टी की हांडी में जनाब स्पेशल शेख साहब क्या क्या बन रहा है? ये साग बना है। अच्छा, सरसों का और मकई की रोटियां हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और साथ ये क्या है? साथ में चिकन कढ़ाई है। अच्छा, और इसके साथ कुलचे हैं। ओए होए होए, और बच्चों के लिए चिकन पास्ता बना। ओए होए होए। अच्छा, ये शेख साहब को जुर्माना पड़ा था और आज जनाब ये जुर्माना अदा किया आपने जी, क्लियर। और फिर खा के देखते हैं कि ये कैसा है। अगर टेस्ट ना ठीक हुई तो फिर एक और जुर्माना है। तो स्टे ट्यून्ड। आपके गार्डन के बाहर जनाब कुछ हरी मिर्चें देखें, बड़ी खूबसूरत सी लगी हुई हैं। पुदीना है देसी, बड़ा माशाल्लाह। ये शेख साहब क्या धनिया है या पार्सली है? पार्सली है। पार्सली, माशाल्लाह। ये मिर्चें बड़ी खूबसूरत शेख साहब लग रही हैं। हाय हाय हाय। ये है स्ट्रॉबेरी सर। अच्छा, ये है स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी का है। अच्छा, ये है गेंदा फूल। वो तो बड़ा जबरदस्त, लेकिन ये जो है ना, ये स्पेशली मिर्चें, मजा आता है ना। तो ये हांडी में यही यूज किए आज? जी जी। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी, लंच का प्रोग्राम बन रहा है यहाँ बाहर बैठ के। वेदर भी काफी अच्छा है, और यहाँ पे बैठते हैं और लंच का मजा उड़ाते हैं। यहाँ पे कुछ और भी पौधे हैं, और ये देखें जरा, एक है जी बड़ा जबरदस्त किस्म का फल लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा कच्चा है। वैसे ये पड़ोसियों का दरख्त है, और ये जनाब टेनियां इधर आई हुई हैं। ये जी मकई की रोटी, ये आगे लस्सी, ये जनाब कढ़ाई है, लस्सी भी है साथ। ये है असल असल चीज, तो ये है जी सरसों का साग और बटर का तड़का। हाय हाय, वो क्या है शेख साहब आगे क्या है? ये है जी कुलचे आपके। ओए होए होए होए। तो शेख साहब ये जनाब जुर्माना तो आप सही अदा कर रहे हैं, अभी पता चला है जी। कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, ये 3-4 महीने पहले शेख साहब को एक जुर्माना पड़ा था, तो ये जनाब उसकी दावत है जुर्माने की। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें शेख साहब ने बनाई हैं, तो अभी इंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। शेख साहब ने ये कहा है कि सिर्फ मैंने नहीं बनाई जी, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की है, मेरी वाइफ ने ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। तो जिसने भी बनाई है, हम तो जनाब पेट भरेंगे और फिर तारीफ करेंगे कि कौन सी चीज़ सही है। अभी आ गया है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में साग ट्राई किया जाए, क्या हाल है आप सबका? खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ओए होए 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 होए। क्या बात है जी। फैंटास्टिक। मिट्टी की हांडी हो और उसमें हो सरसों का साग, तो फिर आप समझ लें। और ये साथ जनाब है मकई की रोटी, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। साथ लस्सी भी है वैसे।
लस्सी ट्राई कर दें और आपको बताते हैं नमक इसका ठीक है चलेगी। लस्सी होनी चाहिए मीठी है। व्यूवर्स मैं दिखा नहीं सकता कि मैं तो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी प्लेट को और मेरे साथ क्या ड्रामा चल रहा है, तो वो मैं सारी दिखा नहीं सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जनाब कि लेकिन आप इंजॉय करें इस खाने को। अच्छा जी ये
ऐसा है। ओके गाइस, अच्छा जी फ्रूट आ गया। जबरदस्त टेस्ट है जी। कलर थोड़ा सा पिंक नहीं आया लेकिन टेस्ट बिल्कुल पिंक टी की है। जबरदस्त टेस्ट है और प्रॉपर पिंक टी का जो है ना मजा आ रहा है। नहीं आप जब चीनी डालोगे इसमें तो टेस्ट आएगा। बहुत मजा आएगा।